जी, मेरा नाम राहिला यासीन है। मैं एक्चुअली काठी दरवाजा बादामवाड़ी एरिया से बिलोंग करती हूँ और मेरी शादी अपर टाउन में हो गई है अलूची बाग साइड से। पेंटिंग को लेके मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक किस्सा ऐसा है कि जब लॉकडाउन हुआ, ड्यूरिंग लॉकडाउन इंसान मतलब यू सडन ये एक हो गया, ऐसा माहौल बन गया कि मतलब कभी इंसान ने सोचा भी नहीं था। नो कम्युनिकेशन, इवन नो टचिंग, हैंड वॉश, एंड वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा, एक अलग सा सिस्टम, अलग सा आपको स्केड्यूल फॉलो करना पड़ा एब्रप्टली। एंड इन द फेयर ऑफ लूजिंग लाइव्स, हम कहीं ऐसा ना हो कभी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ था तब लोगों के दिलों में। तो मेरा एक ही हथियार था, टू ड्रॉ। तो ये जो मैं अपना वेंट आउट जो भी मैं करती हूँ, मैं अब पेंटिंग के जरिए करती हूँ। देन आई स्टार्टेड ड्राइंग कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो वो कॉन्सेप्ट मेरा इस वाली पेंटिंग में यहाँ पे एक लगी हुई है, लॉकडाउन कॉन्सेप्ट, जहाँ पे मैंने एक लेडी बनाई है एंड शी इज वेरी सैड एंड द सैडनेस इज विजिबल इन द पेंटिंग। तो वहाँ पे मैंने उसको एक कश्मीरी इसमें क्या बोलते हैं मकान बनाया, कश्मीरी आर्किटेक्चर दिया उस खिड़की को, एंड देन शी इज स्टैंडिंग ऑन दिस विंडो। एंड उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे मैंने एक जो एलिमेंट मैंने ऐड किया है, बाबरिक वायर मैंने ऐड की है। एंड एवरीबडी इन द एग्जीबिशन वॉज आस्किंग मी अबाउट दैट वायर, एंड आई एक्सप्लेन कि ये जो बाबरिक वायर है इसका एक कॉन्सेप्ट है, इट मीन्स क्लोज्ड, एंड इट्स अ क्लोज, अदरवाइज वी डोंट पुट दीज काइंड ऑफ वायर्स ऑन अवर विंडो या ऐसा कुछ। और मैंने एक एलिमेंट ऐड किया था वहाँ पे, मास्क एंड फ्लावर जो कि ड्रूपिंग डाउनवर्ड, जो कि मुरझाया हुआ था। तो उसका कॉन्सेप्ट यही था कि दैट वी ऑल आर लाइक यू नो सैड और अंदर बंद है, वी वॉन्ट टू गो आउट और हम चाहते हैं खुली हवा में निकलना। तो वो चीज़ मुझे, वो मेरे पर्टिकुलरली बहुत क्लोज टू माई हार्ट, और वो जब भी मैं वो पेंटिंग देखती हूँ मुझे वो रिकॉल होती है वो मोमेंट्स जो हमने उन दिनों स्पेंड किए थे। मैं अपना मेंटर अपने अबू जी को मानती हूँ, बिकॉज इनके प्रिंसिपल्स जो इन्होंने हमें डिसिप्लिन दिया है, एंड हाउ टू बैलेंस एंड हाउ टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो चीज़ मैंने अपने अबू जी से सीखी है एंड अपनी माँ से सीखी है कि दुनियादारी क्या होती है, दुनिया के साथ कैसे चलना है, आपके इखलाक कैसे होने चाहिए, या आप कि नजर कैसी होनी चाहिए, आपकी इंटेंशंस कैसे होने चाहिए। आई विल गिव ऑल क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, क्योंकि जिन्होंने मुझे बड़ा किया है। क्योंकि इंसान, हम बोलते हैं एक बच्चा जो होता है वो एक वेट सीमेंट की तरह होता है, जब उस पर कोई चीज पड़ जाती है तो वो जब सूख जाता है वो वैसी की वैसी रह जाती है। तो वो वेट सीमेंट उस चीज को तराशा है मेरे माँ बाप ने। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ और मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। ऐसे तो आते रहते हैं और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर क्रिटिसिज्म, मुझे लगता है क्रिटिसिज्म होना इट्स अ गुड थिंग, इट मेक्स यू बेटर, इट लीड्स यू टुवर्ड्स बेटर। कोई अगर आपका मतलब क्रिटिसिज्म करता है तो आप देखते हो शायद होगा भी मत, क्रिटिसिज्म कम्स कि उनका अपना परसेप्शन होता है देखने के लिए चीज़ों का। मैं बोलूँगी मैं जिस चीज़ को अच्छा देखूँगी मे बी किसी के लिए वो बुरा होगा, तो अपना अपना परसेप्शन होता है। तो ये मिला के इंसान को मे बी कभी कोई सही भी बोले, हम अपने आप को सही लेके चलते हैं और हमें किसी की बात बर्दाश्त भी नहीं होती है। तो ये व्यू पॉइंट नहीं रखना है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इट, अगर आप में कोई कमी है एक्सेप्ट इट और उसको सुधारने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरा सब सपोर्टिव ही रहा है, मेरे इन लॉज अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे फादर इन लॉ हु पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज अ डियर फ्रेंड टू मी, और उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है बहुत ज़्यादा। और जब भी मैं वहाँ जाती थी और उनको अपनी पेंटिंग्स दिखाती थी, उनका रिव्यू रहता था वाव नाइस वंडरफुल एंड एवरीथिंग, एंड एक पेंटिंग उनको मैंने गिफ्ट की एंड वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते थे और काफ़ी एनकरेज करते थे। मेरी मदर इन लॉ, मेरे husband especially, he is my you know back support this time if I am doing it, I have a small baby and aapko pata hai kitna mushkil rehta hai ek maa ek housewife ke liye ye sab cheeze karna, because it needs a time. To us cheez ke liye I am very thankful to my husband who have been there with me all the time. आर्ट का सफ़र मुझे बचपन से ही, मुझे लगता है इसका शुरू, इसकी शुरुआत हो गई थी बचपन में। मैं स्कूल टाइम्स में मतलब छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मैं आई यूज़ टू टेक पार्ट एंड हैप्पीली आई यूज़ टू टेक पार्ट, और हमेशा मतलब मैं मेरिट लिस्ट में ही आती थी। और कभी मतलब मैं बैठी होती थी एंड आई यूजली स्पेंड माई टाइम, स्पेयर टाइम जो बच्चे खेलने कूदने में, मैं ज़्यादा आर्ट में ही वो स्पेंड करती थी।
रिकॉग्नाइज हिम मैं कह सकती हूँ, मतलब आफ्टर आई वेंट यू नो इनटू द कॉलेज, कॉलेज टाइम में मैंने एक जगह पार्टिसिपेट किया था, वो इवेंट था IUST कॉलेज में, और वहाँ पे हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे ऐसे, एंड आई वाज नॉट दैट टाइम नोइंग दैट आई हैव दैट मच ऑफ ड्राइंग स्किल्स. तो वहाँ पे उन्होंने कुछ थीम दी और छोटे मोटे टाइम में भी आधे घंटे में उस थीम को आपको ड्रॉ करना था, तो आई स्टूड थर्ड दैट टाइम, और मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी. तो इट डजेंट मैटर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट मैं कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से ये शौक पैदा हो गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ आर्ट में, और मुझे लगा कि मैं नहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सलाहियत है अभी बाकी, तो वहाँ से मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया. फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया घर से ही, मैं पेंटिंग्स बनाने लगी एंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे मैं शेयर करती रही, और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, फ्रेंड्स का, फैमिलीज का. पहले तो मेरे अकाउंट्स में इक्का दुक्का लोग ही मतलब ऐसे होते थे जो मतलब मुझे अप्रिसिएशन मिलती थी. देन माई अकाउंट ग्रू बिगर इन नंबर, नंबर ऑफ फॉलोअर्स बढ़े, ऐसी ऐसी बाकी चीज़ें हो गई, एंड देन लोग जानने लगे कि ये आर्ट करती हैं ऐसी चीज़ें. तो ये चीज़ इससे मेरा शौक ज़्यादा डेवलप हो गया, मैंने इसको एज अ प्रोफेशन लिया है, साइड बाय साइड मैं आर्ट करती हूँ. और एक्चुअली मैं जो हूँ मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, एंड आई वाज सर्विंग एज अ कंप्यूटर साइंस लेक्चरर, नाउ आई एम सर्विंग एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर, मेरा ये जॉब रहा है. तो अब मैं चाहती हूँ कि जो, क्योंकि आर्ट में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसमें मैं ज़्यादा अच्छा दे पाती हूँ. मैंने आपको पहले भी कहा जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ में अगर आपको डबल मेहनत भी करनी पड़ी वो नहीं लगती है, अगर आपको रातें भी बितानी पड़ी आपको नहीं लगता है कि आप थक गए. अगर मैं ये काम लूँ कि कोई और काम है जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो, आपको दो सेकेंड या ज़्यादा हो जाए तो आपको वो लगेगा कि नहीं मुझ पर ओवरलोड हो रहा है, काइंड ऑफ ऐसा होता है. तो ये चीज़ इंसान को देखनी चाहिए कहाँ पर आप इंटरेस्ट है, कहाँ पर आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है, तो वो उसमें आप जाओ आगे. एग्जीबिशंस एक्चुअली मैंने मेरी बहुत कम रही हैं एग्जीबिशंस, क्योंकि अब मैं एक्चुअली जब भी कोई मुझे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करता था, मे बी आई हैव मेड फ्यू पेंटिंग्स ऑन कस्टमाइजेशन बेस्ड, तो मैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से मैं उनको वो पेंटिंग प्रोवाइड करती थी. तो ऐसा रहा है मेरे इस आर्ट का सफ़र. और जो मेरे पास पेंटिंग्स हैं जो मैं अपने लिए या मेरी जो थॉट प्रोसेसिंग होती थी मैं वो पेंटिंग्स या कैनवस पे डालती थी, वो मेरे पास कलेक्ट है, मेरी कलेक्शन है. मैंने घर पे भी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं, बड़ी पेंटिंग्स, छोटी पेंटिंग्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारी लैंडस्केप पेंटिंग्स हैं. तो ये सब मैंने बनाई हुई है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो मैं लेती हूँ, उनमें जिस हिसाब की आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब का आपका आउटपुट मिलता है. बहुत ही काफ़ी अच्छा, बहुत मैं कह सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. वहाँ पे जो स्टीम हॉल में हमारी एग्जीबिशन हो गई तो बहुत सारे लोग आए, स्पेशली स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, और अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि पेरेंट्स लेके आ रहे अपने बच्चों को, देखिए क्या बनाया है. या मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आए, मेरी बेटी को, मेरे बेटे को इस चीज़ का शौक है, आप बताइए आगे कैसे जा सकते थे. तो तब एक अलग ही खुशी लग रही थी कि वी आर शेयरिंग our thoughts regarding painting. And सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, I was representing as an artist. और जो मेरे दिल को काफी ज्यादा सुकून मिलता था उस चीज को एक्सप्रेस करने से कि that I am representing myself as an artist there. और लोग मुझसे आ रहे हैं कि ये आर्टिस्ट है, इसने ये आर्ट बनाया है. एंड मैं अपना काम घर से बाहर ले रही हूँ, शोकेस कर रही हूँ, लोग आ रहे हैं, बस लोग दे रहे हैं, देख रहे हैं लाइव. वर्चुअली तो मैं आर्ट अपलोड करती रहती हूँ, बट जो चीज आपको आंखों देखी, जो आप सामने देखते हैं, उसका अलग ही मजा होता है. अगर आप देखेंगे वर्चुअली हम लोग देखते हैं वाह कमेंट एंड दैट, बट जो फील आपको सामने से आता है वो दैट इज वो अलग ही चीज होती है. मैं प्योरली सेल्फ टॉट हूँ, मैं कह सकती हूँ आई एम गिफ्टेड. अल्लाह मियाँ की मेहरबानी रही है कि ये चीज़ मुझ में थी. बट हम कहते हैं हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें होती है, बट उसको उभारने की ज़रूरत होती है, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तब जाके वो एक मतलब कंप्लीट फॉर्म में सामने आते हैं. मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं नहीं कहूँगी आई एम नॉट अ परफेक्ट काइंड ऑफ आर्टिस्ट. अभी इंसान को हमेशा सीखना पड़ता है जब तक वो जिंदा है, तो मैं सीख रही हूँ. बट फिर भी मेरे अंदर जो भी था, मतलब इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये गिफ्टेड हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. मैं ये कहना चाहूँगी आर्ट के रिगार्डिंग, या मतलब सब पेरेंट्स को या सारी जो भी देख रहे होंगे यंगस्टर्स, आप जो अपना शौक है या जो जिसमें आप
लगता है कि हम एक्सेल करेंगे, उसको आप आगे ले जाएं, उसमें आप मेहनत करें और उसमें ही जाएं, क्योंकि जब आप उसमें जाओगे मे बी आप उसमें ज्यादा अच्छा आउटपुट दिखाओगे एज कम्पेयर टू दो दैट कि जिसमें आपको लगता है कि हम ना दिखा पाए या हम लोगों के डर से या सोशल स्टिग्मा के डर से कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो गलत है, वो लेके चलना गलत है। ये नहीं है बिकॉज सोसाइटी में हर एक चीज की इंपॉर्टेंस है, बीइंग इट अ डॉक्टर, इंजीनियर, ये क्लर्क हो, या हर एक की इंपॉर्टेंस है। अब ये नहीं है कि हमें ये बना तो वी विल फॉलो द क्राउड। तो ये चीज करें आप देखिए आपने किस चीज के मतलब किस चीज को करने की सलाहियतें ज्यादा है, आप उसी को लेके चले तो आप एक अच्छे और बेटर इंसान बन सकते हैं।